नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट है आपका साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था लाइट चैप्टर, जिसमें हमने सीखा था कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। आज हम दूसरा टॉपिक सीखेंगे, जिसका आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज हम सीखेंगे। बच्चों, तो हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने एक्टिविटी की थी, उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर बेंड पाइप हम यूज़ करेंगे, इफ़ वी यूज़ बेंड पाइप, तो उससे क्या होगा कि लाइट हम नहीं देख सकते। अब आज का क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि जो क्या होगा जब लाइट पॉलिश्ड सरफेस या फिर शाइनी सरफेस पर आके गिरेगी। तो बच्चों, आपने इसका एग्जाम्पल आपकी डेली यूज लाइफ में देखा होगा, लेकिन आपको आंसर नहीं पता। तो बच्चों, इसका आंसर है मिरर। मिरर में आप लोग अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं ना। जो मिरर होता है उसकी बैक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। अगर वहाँ से वो पॉलिश हट जाएगी तो आप उसको आर पार देख पाओगे। अभी आप उसके आर पार नहीं देख पाते, आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हो, अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पीछे पॉलिश सरफेस है, वहाँ से लाइट जाती है और टकरा के वापस आती है। आप इसके लिए क्या एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमेशा, अगर आप तो सूरज की रोशनी में कोई मिरर लेते हैं तो उसकी अलग से चमक आती है, वो रिफ्लेक्ट होके कहीं और उस शेप की, जिस शेप का आपका मिरर है, वो इमेज बनाती है। तो वो किस लिए होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, अब है आपका व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस, वो क्या होती है बच्चों? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जब भी लाइट किसी शाइनी सरफेस पे जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज। जैसे कि आपने देखा होगा, जो स्टील की प्लेट होती है उस, या फिर स्टील का स्पून होता है, या फिर पानी हो गया, वहाँ पे भी आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो। आप आज घर में जब खाने से पहले साफ़ प्लेट में अपना रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करिए। इवन चम्मच भी आप लेंगे तो उसमें भी आपको अपनी छाया दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मिरर क्या होता है बच्चों? कोई एक पॉलिश सरफेस, जो कि उसको क्या कहेंगे, मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि लाइन सीधी जा रही है, लेकिन एक मिरर की वजह से उसका जो पाथ है वो चेंज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कब हमें विजिबल होंगे? जब उन पर लाइट होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली वेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। जो भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं वो इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, जिसकी वजह से वो हमें विजिबल दिखाई देते हैं। अब ये बच्चों, जो प्लेन मिरर है उसमें आपकी जो इमेज है, रिफ्लेक्शन इमेज है, वो कैसे दिखेगी? तो एक एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी में क्या करेंगे बच्चों? आपको इस तरह से मिरर लेना है और उसके सामने ये कैंडल रखनी है। तो आप मिरर के सामने जब कैंडल रखोगे तो आप देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम इमेज कैंडल की मिरर में बनेगी। ठीक है, तो ऐसा किस लिए हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज की वजह से। जो कैंडल है विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर एंड इट इज द इमेजेस ऑफ लाइटेड कैंडल। हम बच्चों क्या करेंगे? वी विल मूव द कैंडल। हम अलग अलग पोजिशंस पे कैंडल को लेके जाएंगे मिरर के आसपास, तो फिर उसके ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्म हो रहा है। बच्चों, प्लेन मिरर में जब भी कोई इमेज बनती है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो हमेशा इरेक्ट, मतलब सीधी होगी, सेम साइज़ की होगी। आप जिस साइज़ के, उस साइज़ के आप देखते होगे अपने आप को, अलग तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे कि आप की हाइट कम है तो आप अगर मिरर में अपने आप को देख रहे हो तो बड़े दिखाई दे रहे हो, नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि मिरर में जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसकी इमेज वैसे ही बनती है, सेम साइज़ की, इरेक्ट मतलब सीधी, और उतने ही सेम डिस्टेंस, मतलब आप एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गए और मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, तो दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर्स है, उससे पहले ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं। आज हमने सीखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी भी चीज़ से जब लाइट टकराती है तो उसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हम कोई भी चीज़ें देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सरफेस से लाइट टकरा के वापस हमारी आँखों में आ रही, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पहले, राइट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज़ विच एक्ट एज अ मिरर।
तो बच्चों कौन सी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में मिरर की तरह काम करती हैं? वो है आपका स्टील, स्टील का चम्मच मतलब स्पून, प्लेट या फिर पानी। दूसरा क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है आपका द चेंज ऑफ लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसकी चार प्रॉपर्टीज बतानी है। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कि इट इज इरेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर फर्स्ट, सेकेंड एंड इट इज ऑफ सेम साइज थर्ड एंड इट इज ऑफ फ्रॉम द सेम डिस्टेंस। ठीक है, जो आपकी इमेज बनती है मिरर में वो मिरर के बिहाइंड बनती है, हमेशा मिरर के पीछे बनती है लेकिन आपको फ्रंट में दिखाई देती है, वो सीधी होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस की होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस? आंसर है ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आईज। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस फ्रॉम आवर आईज। सो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक कवर किया। आई होप इस वीडियो से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।